आज के जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की बात करेगी इंडिया पोस्ट जेडीएस रिजल्ट ट्वेंटी रिलीज डेट ग्रामीण डाक सेवक मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगी क्या कट ऑफ रहेंगे ठीक है स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रहेंगे सिलेक्शन प्रोसेस कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करने होंगे सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में और गाय अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आर टी एजुटेक यूट्यूब चैनल को क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट रिजल्ट अपडेट जॉब वैकेंसी ठीक है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं चलिए शुरू करते हैं द इंडियन पोस्ट इज अ कंडक्टिंग द रिक्रूटमेंट फॉर अ वेरियस पोस्ट इन इंडिया पोस्ट ऑफिस इट हैज हैजिन अनाउंस दैट दे आर फोर्टी थाउजेंड एट एट नाइन वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक ठीक है आपका जो वैकेंसी इस बार आया जो कि चालीस हजार आठ सौ नवासी पद के लिए आपका जो वैकेंसी आया है इंडिया पोस्ट की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जी डी एस ब्रांच पोस्ट मास्टर बी पी एम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ठीक है एंड डाक सेवक इन ट्वेंटी थ्री सर्कल अक्रॉस द कंट्री तीन पदों में आपका जो वैकेंसी आया है जी बीपीएम और एबीपीएम ठीक है ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट वेर इन्वाइट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ट्वेंटी सेवन जनवरी टू नाइनटीन फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है आपने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ था सत्ताईस जनवरी से सोलह फेब्रवरी तक हुआ था द कैंडिडेट विल भी सिलेक्टेड बेस ऑन द मार्क स्कोर बाय देम इन द मेट्रिक कैलकुलेशन ठीक है आपका जो सिलेक्शन होगा जो कि आपके जो दसवीं के मार्क्स रह उसके बेस पर होगा

अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा द डिपार्टमेंट विल कंटिन्यू टू इशू द सप्लीमेंट्री इंडिया पोस्ट जी डी एस रिजल्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फिल्ड वेन्ड जी ऑल द कैंडिडेट विल सिलेक्टेड कैंडेगर सिक्योर बाई देर क्लास टेन एग्जाम एंड विल बी नो रिटर्न एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट ठीक है इस इसमें आपका जो कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा ठीक है आपका जो सिलेक्शन होगा खाली दसवीं के मार्क्स पे होगा फिर उसमें आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें अगर आपका नाम रहेगा तो आपको उसके आगे uh, का प्रोसेस रहेगा आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का रहेगा द आर सिलेक्टेड बाई इंडियन पोस्ट विल रिसीव अ कंफर्मेशन एस एम एस ऑन द रेजोल्यूशन मोबाइल नंबर एंड द विल कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक है आपको अगर अपना आपका जो सिलेक्शन हो गया तो आपको एस एम एस भी आएगा uh, उनके तरफ से ठीक है कि आप सिलेक्ट uh, हो चुके हो इसके बाद का प्रोसेस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा द कैंडिडेट विल गिवन अ फिफ्टी डे टू सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन द डिजाइनेटेड डिपार्टमेंट आपको पंद्रह दिन मिलेगी ठीक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए

नोटिफिकेशन आपका सत्ताईस जनवरी को रिलीज हुआ था ठीक है ग्रामीण डाक सेवक एप्लीकेशन डेट की हम बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था सत्ताईस जनवरी से स्टार्ट हुआ था जेडीएस एप्लीकेशन लास्ट डेट की हम बात करें तो लास्ट डेट आपका था सोलह फेबर था अप्लाई करने का और आपका जो एप्लीकेशन कनेक्शन विंडो ओपन हुआ था सत्रह फेब्रवरी से उन्नीस फेबरवरी तक ओपन हुआ था और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा जो कि मेरिट बेस पे ही होगा अभी हम बात करेंगे कि इंडिया पोस्ट जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट की बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराने होंगे ठीक है सबसे पहले आता है ओरिजिनल क्लास टेंथ मार्कशीट मार्क बोर्डशीट ठीक है पासिंग सर्टिफिकेट और रिजल्ट ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल ओरिजिनल पी डब्लू सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट ठीक है Any undertaking confirming the whole detail providing by the candidate are correct and the will be responsible for any false information providing by them at the time. ठीक है। और आपका जो domicile certificate पे आपको लगेगा, the candidate will be also need to bring two set of self attested copy of all above mentioned document to the document verification as per the gd list 2023. ठीक है। इन सारों के आपको दो-दो जरूरत निकाल के आपको उसमें sign करना होगा, self attested किया करना होगा, हो, 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 फिर आपको लेके जाना होगा। अगर हम बात करें कट ऑफ मार्क्स की तो आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एटी फोर टू नाइनटी फोर परसेंट तक जा सकता है ठीक है ई डब्ल्यू एटी थ्री टू नाइनटी ओ बी सी का सेवेंटी नाइन टू एटी एट एस सी एस टी सेवेंटी नाइन टू एटी सेवन और सेवेंटी एट टू एटी फोर और पी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पी डब्ल्यू डी के लिए सिक्सटी एट टू सेवेंटी सेवन ठीक है ये जनरल कट ऑफ की बात करें अगर हम स्टेट वाइज कट ऑफ की देखें तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके स्टेट वाइज आप चेक कर सकते हो कट ऑफ़ आंध्र प्रदेश एंड रिजर्व के लिए नाइन्टी फाइव ठीक है इट इज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ एस सी एस टी ओ बी डब्ल्यू सी पी डब्ल्यू डी देख सकते हो आप आसाम बिहार चंडीगढ़ गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर झारखंड कर्नाटक केरला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र नॉर्थ ईस्टर्न ओडिशा पंजाब राजस्थान तमिलनाडु तेलंगाना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल प्लीज़ आप स्क्रीन शॉट लेके कट ऑफ चेक कर लीजिए आपके स्टेट में कौन कौन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यही कट ऑफ आएगी क्योंकि हमने पिछले साल का ऑब्जर्वेशन करके निकाले कट ऑफ ठीक है डिटेल में रिसर्च किया है अभी हम बात करेंगे रिजल्ट कब रिलीज होगा ठीक है आपका जो पोस्ट नेम है ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी चालीस हज़ार एट एट नाइन जॉब लोकेशन इन अप्रैल सर रिजल्ट आपका मार्च मंथ में रिलीज होगा ठीक है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेकेंड मार्च इसी वीक ऑफ सेकेंड वीक ऑफ मार्च इसी वीक में रिलीज हो जाएगा आपका रिजल्ट ठीक है अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट सामने नहीं बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ आपका जो रिजल्ट है दस मार्च के आसपास रिलीज हो जाएगा मोड ऑफ अप्लाई ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट दिस और आपका जो रिजल्ट है ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज होगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो